A very good morning to all my dear students. Here we have come with one more worksheet based on do as directed. So let us see question number first. She helps her mother. We have to change into interrogative. सबसे पहले interrogative में change करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि she helps her mother किस tense का वाक्य है. So she helps her mother, जैसा कि हम देख रहे हैं subject के बाद verb का first form लग रहा है. सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट. अब सिंपल प्रेजेंट को इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम लोगों को स्ट्रक्चर इसका क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. तो यानी कि यहाँ पे शी है, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव. सो इट विल बिकम डज शी हेल्प हर मदर. ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विल यू ईट ब्रेड एंड बटर. इसको हमें चेंज करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ठीक है, विल यू ईट ब्रेड एंड बटर. अब ये जो टेंस है वो सिंपल फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव है. ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या बन जाएगा, विल यू बी ईटिंग ब्रेड एंड बटर. ईट का आई एन जी फॉर्म यूज होगा. ठीक है, विल यू बी ईटिंग ब्रेड एंड बटर. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, यू हैव फाउंड इट. इसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट में चेंज करने से पहले देखेंगे ये किस टेंस का वाक्य है. यू हैव फाउंड इट, हैज़ हैव फॉलोड बाई वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यू हैव फाउंड इट. अब इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हम हैज़ हैव को हैड में चेंज कर देते हैं सिंपली. तो आंसर हो जाएगा यू हैड फाउंड इट. अंडरस्टैंड. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं, यू बिलीव इन गॉड. इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में. अगेन सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो सिंपल प्रेजेंट में जब सब्जेक्ट यू है यानी कि सेकंड पर्सन है, तो यहाँ हम लोग डू का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव के लिए. तो डू यू बिलीव इन गॉड. ओके, क्या हो जाएगा आंसर, डू यू बिलीव इन गॉड. ओके, वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर आगे बढ़ते हैं, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सॉल्व द गिवन सम. इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है. उससे पहले हम लोग देखेंगे ये किस टेंस का वाक्य है. वी ट्राइड यानी कि ट्राई का सेकेंड फॉर्म है. जब सेकेंड फॉर्म यूज होता है किसी सेंटेंस में तो वो सिंपल पास्ट का वाक्य होता है. तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सॉल्व द गिवन सम. इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में. तो प्रेजेंट परफेक्ट में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज है फॉलोड बाई वर्ब थर्ड फॉर्म. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू सॉल्व द गिवन सम, ये इसका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथ्स. इसको नेगेटिव में चेंज करना है. आई आस्क्ड, क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, आस्क का सेकेंड फॉर्म लग रहा है, तो अगेन दिस इज सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट को जब हम चेंज करते हैं नेगेटिव में तो डिड का यूज करते हैं. डिड का यूज करने के बाद अब जो वर्ब सेकेंड फॉर्म का वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है. आंसर विल बिकम आई डिड नॉट आस्क हिम ए क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथ्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, लेट अस सी, ही स्पीक्स पोलाइटली. ही स्पीक्स पोलाइटली, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. अगेन लेट अस सी द टेंस, ही स्पीक्स सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस होगा, तो अगेन दिस इज सिंपल प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ध्यान करना पड़ेगा. हियर सब्जेक्ट इज ही, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डज का यूज करेंगे. तो आंसर विल बिकम Does he speak politely? Okay. Now question number last of this worksheet, which is number 8. Raman knows 3 languages. इसको अगेन हम लोग को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. सबसे पहले टेंस देखते हैं, यहाँ नोज है यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. सब्जेक्ट फॉलोड बाई वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अगेन दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज करना है इंट्रोगेटिव में. सब्जेक्ट इज रमन, तो रमन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. सो इसके पहले हम लोग डज यूज करेंगे. डज रमन नो 3 लैंग्वेजेस, एंड डज यूज करने के बाद जो एस और यस है वो हट जाता है. आंसर बिकम डज रमन नो 3 लैंग्वेजेस. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू. नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.